हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पोइम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह पोइम यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस में है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। यह फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई सबसे सिंपल पोएम है, लेकिन यह पोएम अपने आप में एक गहरा भाव शो कर रही है। इस पोएम को 2 स्टैंजा में लिखा गया है और ये टोटल 8 लाइन की पोएम है। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पेड़ लगा होता है जो हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री को मतलब कहने मतलब है ये पॉइजनस प्लांट होता है, जिसमें जहर होता है, एक जहरीला प्लांट होता है। उस प्लांट पर बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे। आगे कह रहा है दिव्य अक्रो, जिस तरह एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन का मतलब है हिलाना, जिस प्रकार एक कौवा उस पेड़ की डाली पर बैठा और वो डाली हिलने लगी तो उससे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे जो कण थे वो मुझ पर गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहां देखिए हेमलॉक जो है ये सिंबलाइज किया गया है सैडनेस को। पोएट ने यहां पर क्रो को भी सिंबलाइज किया है सैडनेस से, क्योंकि क्रो भी जो होता है ये एक दुख का कारण होता है, इसको शुभ नहीं माना जाता। तो इस 4 लाइन को जो है हम फिर से समझ लें। पोएट कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जैसे ही वो कौवा उस हेमलॉक ट्री पर बैठा तो उसके बैठने से उसकी डाल जो थी वो शुक डाउन होता है हिलना, वो डाल हिली और उससे जो बर्फ के जो छोटे छोटे कण थे वो मुझ पर गिरने लगे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। और पोएट कह रहा है कि इस घटना ने उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया। यहां मूड का मतलब है विचार। कवि के मन में जो दुख भरे विचार थे, उस दुख भरे विचार को इस घटना ने बिल्कुल बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसके उस दिन शेष दिन को बचा लिया जो शेष दिन उसने दुख में एक गहरी चिंता में बिताया था। यहाँ रूड का जो मतलब है, रूड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है ना, दुखी रहना। तो यहाँ जो दिन में पोएट दुखी था किसी घटना को लेकर, तो उस दुख से इस घटना ने उसे बचा लिया। इस पोएम में कवि नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट की तरफ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।